ग्रुप में मौजूद मोहतरम उलमा इकराम, मौजूद मेम्बरान, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई शुएब साहब, बहुत खूब, मैं बिल्कुल इस बात से इतफाक़ करता हूँ। हमारी हालत ये है कि इल्ला माशाल्लाह, आप देख लें कि थ्रू आउट हम जो है ना, जो हमारी बात है ना, उसको तस्लीम करवाने की कोशिश करते हैं। वो ये कहते हैं कि 100% ठीक है, दूसरे को कुछ परसेंट देने के लिए भी हम तैयार नहीं हैं। अपनी बात को हम हदीस का नाउज़ बिल्ला दर्जा दे देते हैं कि जो हमने बयान कर दिया बस वही अर्फ आखर है। हालांकि आप आम गरीब आदमी कहाँ ये फौजी प्रोडक्ट्स जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं इस मिकदार में। गरीब से तो वो कहते हैं रोटी पूरी नहीं हो रही, बिल पूरे नहीं हो रहे। तो ये सब फितना है, फसाद है। हाँ, हम गरीब लोग जितने भी हैं, अगर गली गली हम देख लेना, तो मैं कहता हूँ चैरिटी स्टार्ट फ्रॉम होम। अगर हम तब्दीली ला सकते हैं ना, तो हमारे किरदारों में तब्दीली आनी चाहिए। हमारी गलियां मोहल्ले देख लें कि जिस हद तक, कितनी दफ़ा ये बातें हो चुकी हैं कि जिस दिन हम घरों से टीवी बाहर फेंक देंगे, हमारी गलियां बिल्कुल साफ सुथरी हो जाएंगी। जो हम किरदार अदा कर सकते हैं, हर बंदा कर सकता है, गलियों में हमारे कब्जे हैं। इसी तरह हमारे टीवी चैनल्स देख लें, ड्रामे देख लें, स्कूल देख लें, कॉलेजेस देख लें, जो जो वीडियो वहां पे बन के आ रही हैं, या जो जो हमारे ड्रामों का हाल है, अगर हम वो बायकॉट नहीं कर सकते, तो ये बस एक कह लें कि फितना है, और इसी की हमें सज़ा मिली हुई है। मेजॉरिटी जो है, मेजॉरिटी कितनी हमारी मस्जिदें जो है वो, अगर कुरान हदीस को ही देख लें, तो अजाब जैसे कौम वैसे वो कहते हैं हुक्मरान। तो हमने कौन सी अपनी मस्जिदें आबाद कर ली हैं, हमने कौन सी अपनी गलियां साफ कर ली हैं। तो ये बस अल्लाह ताला हमारी कौम को हिदायत अता फरमाए कि हम हमेशा से खटपुतलियां बने रहे हैं, और जितने भी हमारे थ्रू आउट सियासतदान देख लें कि गली गली में, हम कहता होता हूँ कि कहीं बाहर ना जाएं लोग, तो मुल्की लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर हम फकर और मुफसर बने हुए हैं ना, कि अपने अपने एरिया के काउंसलर की हालत देख लें, जिला काउंसिल मेंबर की हालत देख लें, फिर MPA MNA की हालत देख लें, उनकी फैमिलियों की देख लें कि कहाँ से इन पिछले 35-40 सालों में कहाँ चले गए हैं। तो ये ब्लेम गेम है जनाब, और दुआ करें कि ये शाम और अफगानिस्तान और ये जो सीरिया और ये जो फलस्तीन की हालत है, अल्लाह ना करे कि हमारी इसी कशमकश में जो है ना, हमारी भी ये हालत हो जाए। तो दुआ करें, इंशाल्लाह जीवन है तो मिलना।